हेलो गाइस, जिसके मैकेनिकल टेक में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक एक कॉलम है और यहाँ से ऐसा एक ब्रेसिंग मारना है, तो ये कितना डिग्री में आएगा ये आज हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ से और यहाँ तक का लंबाई 90 mm है और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का लंबाई 105 mm है। चलिए इसको हम ए मान लेते हैं और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो इसका हम लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका लेंथ कितना होगा, हम बी सी का लंबाई देखेंगे। यहाँ पे होता है बी सी इज़ टू अंडर रूट ब्रैकेट में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ पे हम मान रख देंगे ए बी है 90 mm, और ए सी है 105 होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेटर की सहायता से अगर जो हम निकालेंगे तो 138.29 mm आएगा। चलिए हम इसका निकाल लिए 138.29 mm। अब हम इसका डिग्री निकालेंगे, ये कितना डिग्री में है और ये कितना डिग्री में है। तो इसके पहले वाला वीडियो में मैं डिग्री निकालने के लिए फार्मूला बता दिया हूँ, अगर जो आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ ये कितना डिग्री में है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डिग्री बी का ए बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। और जो हम बी का डिग्री निकाल रहे हैं तो बी बराबर होता है, यहाँ का डिग्री निकाल इसके सामने वाला भुजा, यानी कि 10 इनवर्स कोष्टक में हो जाएगा 105/90। इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से हल करेंगे तो यह आ जाएगा 49.39 mm। पहले इसका भी देख लेते हैं ये कितना डिग्री में आएगा। ए का डिग्री निकालने के लिए इसमें भी हो जाएगा 10 इनवर्स कोष्टक में, ये सामने वाला भुजा जो लंब हो जाएगा 90/105। चलिए इसको भी कैलकुलेटर की सहायता से हम चेक कर लेते हैं कितना होगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमको 10 इनवर्स प्रेस करना है, फिर कोष्टक में 90/105 ब्रैकेट क्लोज = आप देख सकते हैं 40.60 आंसर आ गया। 4060 ये हो गया डिग्री। अब हम इसको कटिंग करेंगे। इसका लंबाई है 138.29 mm। और इसका ओडी है 29 mm। तो हम डिग्री कटिंग करने के लिए इसका सूत्र होता है टेन डिग्री इंटू ओडी। अगर जो ये कटिंग करना है हमको, ये 49 डिग्री आया इसका, तो टेन फर्स्ट में 49
पॉइंट 39 इंटू ओडी हो जाएगा इसका 29। अब इसको हल करेंगे, ब्रैकेट में 49.39 ब्रैकेट क्लोज इंटू 29 ओडी है इसकल टू करेंगे तो इसका, या फिर इसका देख लेते हैं, 40 डिग्री आया है तो 10.40.39 इंटू ओडी 29 एओडी ये आ जाएगा 24.85। इसका डिग्री आया था 49.39 डिग्री और इसका आया था 40.60 इसका डिग्री आया था और इसका कट बैग आया 33.82 mm और 40 का आया है 24.85 mm 24.85 mm ये कट बैग है, ये भी कट बैग है जैसा कि देख सकते हैं। अब कटिंग करते समय जो ये कट बैग आया है और जो ये कट बैग आया है इसको ठीक अपोजिट करना है। ये जो कट का मान है यहाँ पे करेंगे और ये कट वाला मान यहाँ पे करेंगे। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। अभी ये प्लेट, ये अपना चैनल है जो 29 mm है, अभी ये 33.82 mm आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 38.82 mm ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ से एक राइट एंगल मारेंगे और ऐसा क्रॉस कटिंग कर देंगे इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस कट कर देंगे। अब ये वाला इस साइड में है, अब ये वाला जो कि हम इस साइड में मार्किंग करेंगे अपोजिट करना है। जो भी कट बैग आया है 24.85 mm, चलिए मैं यहाँ पे 24.8 mm ले लेता हूँ। आपको यहाँ पे राइट एंगल मारना है, मार्किंग करते वक्त राइट एंगल से करना है। अभी आ गया और इसका भी हम कट बैग निकाल, ये यहाँ से लेके और यहाँ हम इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ए 75 mm है और सेम है भी, आप देख सकते हैं 75 mm में भी है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।